नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार हार्ट ड्रॉप के बारे में। दोस्तों आजकल का जो लाइफस्टाइल है, इतना वर्कलोड रहता है, इतना मेंटल प्रेशर रहता है कि लोगों को बहुत ही कम उम्र में ही हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी परेशानी होनी शुरू हो जाती है। 40 के बाद तो अब वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, लेकिन आजकल मैंने देखा है कि 35-36 की उम्र में ही लोगों को कोलेस्ट्रॉल, बीपी, न जाने कितनी ऐसी बीमारियाँ हैं होनी शुरू हो गई हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण उनका लाइफस्टाइल भी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों एक ऐसा हार्ट ड्रॉप जो आपके हार्ट को स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करने में, उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करने में, उसकी मसल्स को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे R3 के बारे में। दोस्तों आज मैं बताऊँगी ये दवा में क्या क्या कंटेंट पड़े हैं, इसको आपको कैसे लेना है, किन किन परिस्थितियों में आप इसको ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं दोस्तों R3 के बारे में। दोस्तों अगर आपको ऐसा फील होता है कि आफ्टर 40 स्पेशली अगर आपको फील हो रहा है आपके हार्ट में थोड़ा सा आपको हेवनेस फील होनी शुरू हो गई है, मसल स्ट्रेंथिंग लग रही है कि वीक है, थोड़ा चलते हैं आपको सांस फूलने जैसी लगती है, सीने पे भारीपन लगता है, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, बीपी का थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन शुरू हो गया, ऐसी सारी परिस्थितियाँ अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो इस ड्रॉप को आप ज़रूर शुरू कर लें। ये किसी बीमारी के लिए नहीं शुरू करा रही हूँ, ये एक ऐसा एक टॉनिक जैसा है आप समझ लें, जो आपके हार्ट को एक स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करेगा, आपकी जो मसल्स हैं हार्ट की उनको ताकत देगा, साथ ही उनको जो ये एक टॉनिक जैसा है तो जितनी हार्मोनियस सिचुएशन होंगी उसको वो प्रोवाइड करेगा आपके हार्ट से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं आखिर इनमें ऐसी कौन कौन सी दवाएं पड़ी हैं जो आपके हार्ट के इश्यूज़ को कम करने में लाभप्रद हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी, स्पेशली जितनी भी टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हार्ट के लिए स्पेसिफिक हैं, वो सारी ही ऑलमोस्ट इसमें यूज्ड हैं और वो दवाएं आपके हार्ट को स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों इसमें कैक्टस पड़ी है, क्रेटिगस पड़ी है, कालमिया, कैलिकार, फॉस्फोरस, सिलिका, लॉट ऑफ आर्सेनिक। दोस्तों इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन इसमें यूज्ड हैं जो आपके हार्ट के ट्रबल्स को बहुत हद तक मैनेज करने में आपको मदद करेंगी। दोस्तों एक एक मेडिसिन के बारे में फटाफट बताती हूँ। जैसे सबसे पहले आप मेडिसिन है जो डिजिटेलिस है, वो आपको प्रिवेंट करेगी दोस्तों हार्ट फेलियर की सिचुएशन में। अगर आपका बीपी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, कार्डियक डायलिटेशन जो होता है उसकी वजह से बीपी फॉल होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे जो हार्ट फेलियर का केस है उसमें आपको डिजिटेलिस बहुत अच्छी काम करती है। डिजिटेलिस को हम लोग कैसे याद रखते थे, डिक्रीज पल्स, सो डी फॉर डिक्रीज्ड और पल्स और डिजिटलिस डी से, तो ये बहुत अच्छी काम करती है। अगर आपकी पल्सेस बहुत डाउन हो रही हैं, बीपी का फ्लक्चुएशन बहुत डाउन की तरफ जा रहा है, हार्ट फेलियर साइड अगर जा रहा है तो बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों ये। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों कैक्टस, आपको पेन अगर आपको ऐसा सीने में लगता है, जैसे जो मेडिसिन इसमें यूज है ऐसा लगता है सीना बिल्कुल किसी ने बांध दिया है, बहुत सफोकेटिंग जैसा फील होता है, एंजाइना के केस में ये बहुत अच्छी काम करती है, एंजाइना प्रिवेंट करने में ये बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों। क्रेटिगस मेडिसिन दोस्तों ये आपकी मसल्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, जो मस्कुलर्स, जो मसल्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है, फंक्शन ऑफ हार्ट इम्प्रूव करती है, आपको जल्दी एग्जॉशन लग रहा है, वीकनेस फील कर रहे हैं, ब्रीथ डिस्टर्बेंस लग रही है, इन सब पे क्रेटिगस बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों। साथ ही जो कैलिकार्ब है दोस्तों, आपके जो मसल्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट, एंडोक्राइनल मसल्स हैं इन सब की इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा इसका हेल्प रहती है, आपको ये एंजाइना से भी प्रिवेंट करती है। तो ये जितनी भी ऑलमोस्ट दवाएं हैं दोस्तों, इन सब का बहुत ही अच्छा एक्शन है आपके हार्ट के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों अगर जो है वो फॉस्फोरस, दोस्तों इसमें जो फॉस्फोरस पड़ी है वो भी दोस्तों, अगर आपको जैसे रेस्ट भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी घबराहट, बहुत लोगों का मैंने देखा लेटे रहते हैं, उसके बावजूद अगर आप जैसे लेफ्ट साइड लेटे हैं, लेटे रहने के बाद आपको पैल्पिटेशन शुरू हो जाता है, तो पैल्पिटेशन को सही करने में, आपके हार्मोन्स को सही करने में,
आपके बीपी को मैनेज करने में भी फास्फोरस का बहुत अच्छा योगदान है, तो वो भी बहुत अच्छी काम करती है। स्पाइजीलिया भी दोस्तों आपके पेल्पिटेशन को इम्प्रूव करने में, एक जो स्ट्रॉन्ग एबनॉर्मल पेल्पिटेशन हो रही है उसको रिड्यूस करती है, साथ में जो आपको लो पल्सेस हैं उनको भी प्रिवेंट करती है। तो दोस्तों जितनी ऑलमोस्ट दवाएँ इसमें यूज हैं ये सारी आपको हार्ट प्रिवेंट करने में मदद करेगी। तो ये हो गई दोस्तों इन दवाओं के बारे में इन्फॉर्मेशन। आप बात करते हैं इनको लेना कैसे है। अगर बहुत ज़्यादा सिवियरिटी है, आप मतलब डायग्नोज्ड हैं, तो आप कुछ दिन तक, तो मतलब लगभग एक दो दिन आप लगभग 6 times लें, 15 बूंद 6 बार लगभग थोड़े से पानी में डाल के 6 time तक आप ले सकते हैं अगर आप डायग्नोज्ड हैं। नहीं है और आप सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए, अपने हार्ट को प्रिवेंट रखने के लिए दवा लेना चाहते हैं, तो इसकी आप 15 बूंद को 1/4 कप पानी में डालें और स्टील ना यूज़ करें। आपको सिंपल चाय का कप यूज़ कर सकते हैं या कोई ग्लास का कटोरी हो या कुछ बोल ऐसा हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा पानी डालें, उसकी 15 बूंद डालें और उसको सुबह दोपहर शाम लेते रहें। आराम से आप इसको लंबे समय तक दोस्तों ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये, प्रिवेंट करेगी आपके हार्ट को किसी भी मतलब एबनॉर्मेलिटी को होने से बचाएगी, कोई परेशानी होने से बचाएगी, चाहे वो एंजाइना हो, हार्ट अटैक कंडीशन हो, कार्डियक अरेस्ट हो, इन सब से प्रिवेंट करने के लिए ये दवा बहुत अच्छी काम करती है। इस दवा को आप रेगुलरली यूज़ करें दोस्तों। साथ ही थोड़ा सा अपने आप जैसे ध्यान रखें आफ्टर 40, थोड़ा सा आप डाइट मैनेजमेंट भी अच्छे से रखें, बहुत ज़्यादा ऑयली स्टफ्स ना खाएं, ऑयल का ध्यान बहुत अच्छे से रखें, वॉक ज़रूर करें, पानी अच्छे से पिएं, स्लीप प्रॉपर लें। इन सारी चीज़ों को अगर आप मैनेज करके रखेंगे तो आपकी हार्ट के इश्यूज़ काफ़ी हद तक, इवन विदाउट मेडिकेशन भी काफ़ी हद तक बेटर रहेंगे। अभी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं अगर आप उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, सिंसियरली फॉलो करते हैं, तो एक्सरसाइजेस करिए, स्पेशली वॉक करिए, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मददगार हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा एंजाइटी के वजह से, थोड़ा वर्कलोड के वजह से आपकी परेशानी थोड़ी बढ़नी शुरू हो रही है, तो उसी कंडीशन में ही सचेत हो जाएं और लेना दवाओं को शुरू कर दें ताकि आगे आपको कोई बड़ी परेशानी ना फेस करनी पड़े। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें दोस्तों। ये तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आप अपने बड़े बुजुर्गों को भी शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।